एवरीवन, नमस्कार। कैसे आप लोग आए हो? पर सकते ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज 4 मई सैटरडे है, तो मैंने ब्लॉग ये 2-3 दिन पहले स्टार्ट किया था, लेकिन ना फिर उसके बाद कुछ शूट नहीं हुआ, तो उसकी क्लिप आप इसके बाद देखना। और मैं जा रही हूँ अभी पेरेंट्स मीटिंग में, इसलिए रेडी हो गई हूँ। ये खाना वाना खा के ड्यूटी से जाएंगे और मैं पेरेंट्स मीटिंग में जाऊँगी, और बच्चे गए हैं नानी के यहाँ पर। तो इस क्लिप के बाद आप देखना मेरी उस दिन वाली क्लिप, जो दृष्टि की और वैश्य वरुण आयतम की मस्ती, और उसके बाद पेरेंट्स मीटिंग में जाती हूँ स्कूल में, तो जितना होगा उतना दिखाती हूँ आगे, तो बने रहे मेरे ब्लॉग में। और आज मैंने पहना है ये वाला कॉर्डर, होता था क्या होता, कॉर्डर ही होता है शायद वो, ये तो वो पहना है। तो बस मैं निकलती हूँ, लेट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो चलिए बस। चलिए तो बस आए हैं वैशु, और ये बैठे वैशु आराम से, और ये रहा गधा, देख इधर वरुण, और ये ना पढ़ाई करवा रहा है दृष्टि को, उसका काम करवा रहा है। ऐसे ये दृष्टि है, तो दृष्टि को करवा रहे काम, और चल रहे हैं यहाँ पे टीवी। और फिलहाल मैंने कल बनाई थी मैंगो आइसक्रीम, तो अभी ये सब लोग आ गए हैं, तो बस इनको मैं अभी कट करके देती हूँ, दिखाती हूँ उसकी रेसिपी, मैंने शूट नहीं करी थी, तो बस अभी फिलहाल मैं दिखा देती हूँ आपको किस तरीके से वो हुई है, जमी है, तो इन लोगों को कट करके दे देती हूँ। निकालते हैं इसमें से आइसक्रीम, ये रही एक मैंगो वाली, इसमें चिया सीड़े ऊपर, लेकिन बच्चों को खाने है ये वाली, तो ये वाली निकालती हूँ मैं, दो रखी है, बस शाम को देखेंगे। और ना बहुत ठंडा ठंडा हो रहा है, ये रही आइसक्रीम, तो सुबह इसमें से बच्चों ने ना एक एक बाइट ले लिया था, जैसे मैं कट करके देती हूँ मैं अभी। देखो वैशु टीचर अभी पढ़ा रही है दृष्टि को। कौन है मौसी? मैडम है दृष्टि, पहले तो ये आपके स्कूल की मैडम थी ना, जब पहले वाले स्कूल में पढ़ते थे। अब देखो ये कैसा आतंक मचाया, अब ये लोग जा रहे क्या? हाँ ठीक है, चलिए जा, बंद कर, फिर क्या करेगा तू, मारेगा? वैसे कह रहा है कैमरा बंद कर, फिर ये बताएगा। चद्दर सही कर पहले, चल, चद्दर खराब करके जा रहा है काम फैला के। भी जाएगी नहीं जा रही है, रोती तो तू रोएगी वहाँ से आने के लिए तुरंत ही। लेने नहीं आएंगे ये, रोए रोन दिए, बाहर कमरे में डाल दी रोए। रुक, कपड़े तो चप्पल तो ले ले, चप्पल जीने पर रखे, दे रही हूँ, चलो बाय। बच्चे वगैरह भी चले गए हैं, वैश्वरण भी चले गए, बच्चे भी चले गए, और जस्ट अभी ये जो फैला के चले गए हैं ना मेरे लिए काम, इन्हें मैं समेटती हूँ, उसके बाद तैयार करती हूँ खाने की। चलिए तो बस हो गई थी, नेक्स्ट मॉर्निंग को बनाना था मुझे पोहा, तो ये बस नई कढ़ाई है रखी थी, तो मैंने सोचा जिसी में बना देते हैं इसका शुभ मुहूर्त कर देते हैं, तो अभी ये चमक रही है, हालांकि आगे तक चमकती रहे बस इतना है, चमकती रहेगी। तो बस वो सिंपल सा पोहा, उसमें कुछ नहीं, सबको आता है बनाना, तो बस वही पोहा बनाना था। और रीज़न क्या था ना कि उस दिन ना मैंने पता नहीं क्या बनाया था, तो दोनों कढ़ाइयाँ गिरी थी, तो फिर मैंने यही निकाल ली, तो बस पोहा सिंपल सा पोहा बन रहा है, चाय बननी है, और बस यही हो रहा है अभी, कुछ कामों की वजह से ना इतने बिजी हो जाते हैं तो व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, तो बस ये टमाटर मिर्च डाल दिए और ना पोहा, मतलब पता नहीं क्यों एक दिन मैंने पोहा बनाया था, बहुत टेस्टी बना था, ये वाला पोहा कुछ ज़्यादा खास बना नहीं था, ठीक था, काम चलन एक तो ठीक था जैसा बनता, लेकिन एक होता है ना कभी कभी पोहा बहुत टेस्टी बनता था, वही था, बस सिंपल स्टाइल का पोहा बनाना था। और आपने आगे की क्लिप देखी थी कल की, वैशु वगैरह आई थी, तो बस पोहा बन के रेडी है, इसमें पोहा डाल दिया, और मेरे ना फ़ोन की बैटरी इतनी लो हो गई थी ना कि इसमें फ्लैश लाइट ऑन ही नहीं हो रही थी, इसलिए क्लियर ना दिख नहीं रहा था, तो बस पोहा बन के रेडी हो गया। और मेरी किचन में थोड़ी लाइटिंग की भी प्रॉब्लम है, वही है कि इसके लिए थोड़ी हाईलाइट चाहिए होती है, और ये देखो कितना स्लो हो गया, तो ये रहा पोहा बन के रेडी है। इस मीटिंग से मैं आ गई थी 11 बजे, आने के बाद फिर जो थोड़ा किचन विचन समेटी थी मैंने, और ना मैं वहाँ पे बिल्कुल शूट करना भूल ही गई, मैडम से बातों में इतना टाइम लग गया, और भाभी के साथ गई थी तो भाभी से बात बातें कर रही थी, तो रास्ते में मुझे टाइम, मतलब एक होता ना कि हिम्मत निकाल ही नहीं पाई, भूल गई बातों बातों में, फिर बाद में आके याद आया मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, तो मैडम से भी काफ़ी देर तक बातें हुई थी, मैडम भी बातें कर रही थी, दृष्टि का सुमंत का दोनों का ही अच्छा ही बताया था, दोनों बच्चे अच्छे हैं, उधम नहीं करते, सबसे अच्छी चीज़ भी बताई थी कि बच्चे बात मानते हैं, तो ये चीज़ तो अच्छी है उनमें, पढ़ाई में भी सब एक्स वाई जेड सब बढ़िया ही था उनका, तो आने के बाद काम वाम करा, अभी फिलहाल मैं यहाँ बस बैठी हूँ, गप्पे लड़ा रही थी
चौथी से ज्योति आई हुई है अपने घर, तो यहाँ भी आई है तो चलो बस अब हम आ गए पार्क में ज्योति के साथ। तो चलो बस अब हम यहाँ पे थोड़ा वॉक करेंगे फिर जाएंगे जिम में। अच्छा लग रही है तुम वेदिका, बोलो हाय। आप कहाँ पे आई हो, कहाँ पे आई हो? पार्क आई। तो चलिए बस ये थी मतलब पार्क की क्लिप थोड़ी सी। तो क्या कहते हैं ये ज्योति है, ज्योति मतलब कह रही थी मैंने मेकअप वेकअप नहीं कर रखा तो मैं नहीं आऊँगी वीडियो में, तो वो साइड हो गई थी, कह रही जब मैं तैयार होंगी तब आऊँगी। तो बस ये ऐसे दुबका दुबकी हो रही थी इसकी। और ये वेदिका है ज्योति की बहन की लड़की, तो ये वो है और इसे ही हम घुमाने लाए थे उस दिन, मेरे बच्चे थे नहीं वो नाने के गए थे तो उनको मैं लेके नहीं आई थी, और इसकी बस अलग ही मस्ती चल रही थी। देखिए नहीं कह दो अच्छी, बोलो अच्छी अच्छी अच्छी। आप बोलो दिखाओ इसके सामने, दिखाओ अच्छी ये कैसी है। अच्छी हो ना, मैं कौन हूँ वेदिका? अच्छा मैं कौन हूँ आपकी? अच्छी मौसी। अच्छी मौसी। मामी ऐसे बोलो, मामी। मामी वाली फीलिंग नहीं दे रही, वो मौसी बोल रही है। मामी अच्छी। सब हम अभी यहाँ आए हैं और ये दिखाएंगी नहीं क्योंकि इनका मेकअप वेकअप नहीं पुत रखा, इसलिए मेरा तो मेकअप पुता है इसलिए मैं अपने आपको दिखा लूंगी। रील बना रही हो? चलो अब हम रील बना लेते एक दो फिर हम जाएंगे जिम की बात करने। हेलो एवरीवन, तो बस हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और बस क्या था ना कल मैंने इसे धुल दिया तो फिर मैंने पहन लिया क्योंकि मुझे दो मिनट के लिए पहनना था क्योंकि न्यू था ना, तो ये न्यू था ना तो इस चक्कर में बस मुझे ये था कि इसे धुल के पहनना था, बस मुझे कल थोड़ी देर के लिए पहनने के बाद फिर मैंने इसे धुल के डाल देता। और हम जा रहे हैं अभी किसी काम से और ये बस अपना अलग ही लगा पड़ा है, इसे दिखाते रुको। ये दृष्टि रेडी, योगी सुमंत रेडी, तो दृष्टि को ये देख लो। नहीं नहीं बेटा उसी को सही करवाया। तो ये सुमंत, ये इतना उद्यमी हो रहा है बहुत ज़्यादा। निकलती हूँ देख लो एक बार, बस अब मैं निकलती हूँ और ये हम बाहर तैयार हो रहे हैं तो वहाँ जाके फिर आपको दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं अगर दिखाएंगे तो। दिखाना चुम्मा, लगाओ इसे लगाओ। बोल बोल हेलो गाइस।